हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक्सेल सीरीज के अनदर वीडियो में। सो गाइस, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में जाना था और स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर हम लोगों ने काफी सारे फंक्शंस के बारे में जाना था। वो सारे फंक्शन काफी ज्यादा यूज होता है गाइस एक्सेल के अंदर। अगर आप लोग उन सारे फंक्शन के बारे में नहीं पता तो आप लोग इस वीडियो को जरूर जाकर देख ले। सो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको विजिट कर सकते हैं। तो बात करें आज के हमारे न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में। आज हम लोग नंबर फंक्शन के बारे में जानेंगे। यस गाइस, नंबर फंक्शन या न्यूमेरिक फंक्शन, नंबर फंक्शन के अंदर काफी सारे फंक्शन आते हैं और इन सारे फंक्शन के बारे में आप लोग को जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे फंक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और टाइम सेविंग है। सो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैंने पहले की तरह अपना एक्सेल सीट रेडी रखा है जिससे मैं आप लोग को फटाक से वीडियो स्टार्ट कर पाऊं और आप लोग को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझा पाऊं। नंबर फंक्शंस के अंदर गाइस काफी सारे फंक्शंस आते हैं तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पिक किया है। सो दोस्तों, न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर हमारा पहला फंक्शन होने वाला है इज नंबर फंक्शन, सेकंड फंक्शन होने वाला है राउंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन होने वाला है गाइस मीडियन फंक्शन, फोर्थ फंक्शन होने वाला है पावर फंक्शन, फिफ्थ फंक्शन होने वाला है मॉड फंक्शन, सिक्स में हमारा होने वाला है रोमन फंक्शन, सेवन्थ होने वाला है हमारा रैंड फंक्शन, एट्थ में होने वाला है हमारा रैंड बिटवीन फंक्शन, नाइन्थ में होने वाला है हमारा स्मॉल फंक्शन, टेंथ होगा हमारा लार्ज फंक्शन, इलेवेंथ होगा हमारा मैक्स फंक्शन, फाइनली हमारा ट्वेल्थ नंबर में जो फंक्शन यूज करेंगे हम लोग वो होगा हमारा मिन फंक्शन। टोटल हम लोग आज 12 फंक्शन के बारे में जानेंगे गाइस। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग वीडियो पे बने रहे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले फंक्शन से। पहला फंक्शन है गाइस हमारा इज नंबर फंक्शन। इज नंबर फंक्शन की सहायता से हम लोग अपने नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यस गाइस, इज नंबर फंक्शन की सहायता से हम लोग किसी भी कॉलम के वैल्यू को पता कर सकते हैं कि ये हमारा नंबर है या फिर स्ट्रिंग है या फिर कुछ और है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे नंबर में कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर रखे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग इज नंबर फंक्शन को यूज करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा वैल्यू हमारा नंबर है और कौन सा हमारा वैल्यू नंबर नहीं है। तो जल्दी से मैं सेल को सिलेक्ट करके ऊपर यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ इक्वल्स टू, और यहाँ पे टाइप करता हूँ इज नंबर। इज नंबर टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये हमारा वैल्यू पूछ रहा है। तो वैल्यू क्या होगा हमारा, जीरो होगा। सो जीरो कौन से कॉलम पे है, जीरो हमारा B2 कॉलम पे है। B2 टाइप करने के बाद जस्ट ब्रैकेट बंद और हिट द एंटर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा ट्रू आ चुका है, तो मतलब ये हमारा नंबर है। अब हम लोग सारे के लिए ड्रैग करते हैं। सो सारे वैल्यूज के लिए हमारा ट्रू आ चुका है, बट लास्ट में हम लोगों ने एक स्ट्रिंग यूज किया था उसके लिए हमारा वैल्यू क्या आ चुका है, फॉल्स आ चुका है। इस नंबर की सहायता से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा वैल्यू नंबर है या फिर नहीं। तो काफी कमाल का फंक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं राउंड फंक्शन के बारे में। राउंड फंक्शन की सहायता से हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग राउंड फंक्शन की सहायता से अपने नंबर के वैल्यू को राउंड अप कर सकते हैं। यस गाइस, अगर हमारा डेसिमल में अगर वैल्यू है तो उसका हम लोग राउंड अप करके एक फिक्स वैल्यू ला सकते हैं। सो इसको भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो सेल को सिलेक्ट करके ऊपर में हम लोग टाइप करेंगे इक्वल्स टू, और यहाँ पे टाइप करेंगे राउंड ROUND राउंड ब्रैकेट ओपन, और नंबर पूछ रहा है हमारा, तो नंबर होगा ये B2 सेल। B2 सेल को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा टाइप करेंगे हम लोग, और कॉमा टाइप करने के बाद यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है नम डिजिट्स। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेसिमल के बाद तीन नंबर डिजिट्स है। सो यही नंबर डिजिट्स हम लोग यहाँ पे टाइप करना है कि हम लोग कितने यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। सो जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं जीरो टाइप करूंगा क्योंकि मुझे एक भी नंबर डिजिट शो नहीं करवाने। B2 सेल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा, और यहाँ पे मैं जीरो टाइप कर दूंगा। सो मैंने यहाँ पे जीरो इसलिए टाइप किया क्योंकि मुझे डेसिमल के बाद एक भी नंबर डिजिट को शो नहीं करवाना। और जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, यह हमारा जीरो आ चुका है। इसमें तो हम लोग को चेंजेस पता नहीं चलेंगे, बट इस वाले केस में जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1.012 है, तो यहाँ पे आप लोग राउंड अप देख पाएंगे कैसे ये राउंड अप वर्क करता है। मैं गाइस यहाँ तक इसको ड्रैग करता हूँ, इस 1.012 के वैल्यू को यहाँ पे इसने राउंड अप कर दिया है। इन सारे के लिए मैं ड्रैग कर देता हूँ। ये जो हमारा 4.65 वैल्यू है, इस वाले कंडीशन में हम लोग करेंगे क्या, इस वाले कंडीशन में हम लोग को डेसिमल के बाद के एक नंबर को, एक नंबर डिजिट को हम लोग को शो करवाना है। सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया था, और ऊपर में जहाँ पे हम लोग को जीरो लिखा था वहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। इस 1 की सहायता से होगा ये डेसिमल के बाद वाला जो नंबर डिजिट है उस नंबर को ये शो करवा देगा, और कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। और उसके बाद मैं एंटर जैसे करता हूँ, इसके नीचे वाले के लिए भी मैंने इसको ड्रैग कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा 4.7 से हो रहा है, 0.65 को हम लोग 0.7 भी एज्यूम करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा 0.7 शो हो रहा है। और इस वाले केस के लिए इसने यहाँ पे एरर शो कर दिया क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के लिए ये राउंड अप होगा कैसे। तो ये था हमारा राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन काफी इजी है। सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं मीडियन फंक्शन के बारे में। तो मीडियन फंक्शन भी काफी इजी फंक्शन है। तो मीडियन फंक्शन की सहायता से हम लोग करते क्या है, किसी भी नंबर्स के बीच, नंबर्स मतलब किसी भी स्टार्टिंग नंबर से लेकर एंड नंबर के बीच के मिड वैल्यू को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल के साथ करके दिखाता हूँ जिससे आप लोग को समझने में सुविधा होगा। यहाँ पे टाइप करते हैं इक्वल्स टू, और टाइप करते हैं यहाँ पे मीडियन।
मीडियन टाइप करने के बाद ब्रैकेट ओपन, ऊपर में आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर वन नंबर टू करके सजेस्ट कर रहा है। सबसे पहले हम लोग छोटे टेबल एरे को सिलेक्ट करते हैं जिससे आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। छोटे टेबल एरे के लिए मैंने यहाँ पे दो वैल्यू लिखा है, यहाँ पे लोग राइट साइड में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मैं इस एरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अब हम लोग गेस करते हैं इसका मिड वैल्यू क्या होगा। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारा 1 है और एंड वैल्यू क्या है हमारा 5 है। 1 से लेकर 5 के बीच का मिड वैल्यू क्या होता है गाइस, 3 होता है। सो यहाँ पे हमारा 3 प्रिंट होना चाहिए, तो देखते हैं ये 3 प्रिंट होता है या नहीं। जैसे मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, आप लोग देख पा रहे गाइस 3 प्रिंट हो गया। तो ये तो था हमारा छोटा टेबल आ रहे। इस बार मैं सिलेक्ट करूंगा गाइस 1 से लेकर 13 तक। तो 1 से लेकर 13 के बीच का मिड वैल्यू क्या होगा गाइस, आप लोग जल्दी से गेस करें, तब तक मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इसका वैल्यू होगा गाइस 7। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 7 प्रिंट हो गया, क्योंकि 7 हमारे 1 से लेकर 13 के बीच का वैल्यू है। सो गाइस ये तो था हमारा मीडियन फंक्शन। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर फंक्शन के बारे में। पावर गाइस आप लोगों ने सुना ही होगा मैथ्स के अंदर। सो मैथ में हम लोग जैसे देखते हैं 2 to the power 4, वैसे ही गाइस यहाँ पे हम लोग एक्सेल के अंदर भी पावर फंक्शन का यूज करके पावर वैल्यूज को निकाल सकते हैं। काफी इजी है, हम लोग सेल को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर टाइप करते हैं इक्वल्स टू, और हम लोग टाइप करते हैं पावर जस्ट ब्रैकेट ओपन। सो यहाँ पे हम लोग को सजेशन मिल रहा है 2 टाइप करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 to the power 2 का हम लोग आंसर निकालेंगे। 2 टाइप करने के बाद जस्ट कॉमा, अब हम लोग को पावर पूछ रहा है गाइस, तो पावर हम लोग क्या होगा 2 और जस्ट ब्रैकेट बंद। तो हम लोग यहाँ पे 2 to the power 2 का वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होगा गाइस 4। काफी सिंपल है गाइस। सो गाइस मैं आप लोग को अब थोड़ा वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ जिससे आप लोग का और भी डाउट क्लियर हो जाए। हम लोगों ने अभी क्या निकाला 2 to the power 2, अब हम लोग निकालेंगे 3 to the power 2। ऊपर में हम लोग जस्ट चेंज करेंगे स्टार्टिंग नंबर वैल्यू को, वैल्यू होगा हमारा 3 और कॉमा देने के बाद पावर होगा हमारा 2, क्योंकि हम लोग 3 to the power 2 निकाल रहे हैं। टाइप करने के बाद जस्ट हिट द एंटर, 3 to the power 2 9 आ चुका है। सो ऐसे गाइस हम लोग पावर फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल के अंदर। तो अब हम लोग बात करते हैं मॉड फंक्शन के बारे में। तो मॉड फंक्शन भी आप लोगों ने मैथ के अंदर जरूर सुना होगा। तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला लिख के उसके बाद आप लोग समझाता हूँ। जैसे मैं इक्वल्स टाइप करता हूँ, ऊपर टाइप करता हूँ MOD मॉड और जस्ट ब्रैकेट ओपन, और ये हमारा यहाँ पे नंबर पूछ रहा है गाइस। तो नंबर क्या होगा हमारा 0, 0 के लिए हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग सारे के लिए ड्रैग कर देंगे। तो 0 मैंने सेलेक्ट कर लिया और 0 हमारा कहाँ पर था, B2 सेल पे था। और उसके बाद कॉमा, और डिवीजर क्या होगा, हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। तो आप लोग सोच रहे होंगे 0 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैं आप लोग को ड्रैग करने के बाद आप लोग को समझाता हूँ मॉड फंक्शंस की सहायता से। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, किसी भी नंबर से किसी वैल्यू को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका रिमेनिंग हम लोग को शो हो जाता है, अगर हम लोग मॉड फंक्शन यूज करते हैं तो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 0 को 2 से डिवाइड किया, तो सिंपली हमारा वैल्यू 0 आएगा। तो मैं काम करता हूँ उसको एंटर प्रेस करता हूँ, जैसे मैं सारे को यहाँ पर ड्रैग कर देता हूँ, आप लोग देख रहे हैं गाइस चेंजेस कैसे आ रही हैं। और ऐसे ही हमारा सारे वैल्यूज के लिए ये फंक्शन अप्लाई हो चुका है, और लास्ट वाले में हमारा स्ट्रिंग था तो हमारा फंक्शन अप्लाई होगा नहीं। ये तो था गाइस हमारा मॉड फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रोमन फंक्शन के बारे में। जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर 1 2 3 लिखते हैं, वैसे हम लोग रोमन वैल्यू के लिए भी 1 2 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल 1 2 3 को रोमन वैल्यू में चेंज करेंगे। सेल को सिलेक्ट करते हैं हम लोग और ऊपर में टाइप करते हैं इक्वल्स टू, और फिर से टाइप करते हैं हम लोग रोमन ROMAN और जस्ट ब्रैकेट ओपन, और ये हमारा नंबर पूछ रहा है गाइस। तो इस वाले सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा नॉर्मल 1 लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग कॉमा टाइप करेंगे और ये हमारा फॉर्म पूछ रहा है, तो हम लोग क्लासिक सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग 0 प्रेस कर देंगे और जस्ट ब्रैकेट बंद एंड हिट द एंटर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं रोमन वैल्यू में हमारा वैल्यू आ चुका है। तो जैसे मैं सारे के लिए ड्रैग करता हूँ तो ये रोमन वैल्यू में हमारा सारा वैल्यू चेंज हो चुका है। सो गाइस ये तो हो गया हमारा रोमन फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग रैंड फंक्शन के बारे में। तो रैंड फंक्शन की सहायता से हम लोग करते क्या है, हम लोग रैंडम वैल्यू को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। सो मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ इसको दिखाता हूँ। तो ऊपर में हम लोग सेल को सिलेक्ट करने के बाद हम लोग ऊपर में टाइप करते हैं इक्वल्स टू, और फिर टाइप करते हैं RAND रैंड, और जस्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और कुछ भी हम लोग को टाइप नहीं करना है, जस्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड जस्ट हिट द एंटर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये हमारा रैंडम एक वैल्यू इसने चूज करके हम लोग को शो करवा दिया है। अगर हम लोग फिर से इसको एंटर करते हैं ऊपर फार्मूला में जाकर, तो ये हमारा दूसरा वैल्यू दिखाएगा। अगर हम लोग इसको फिर से करते हैं तो ये हमारा दूसरा वैल्यू दिखाएगा। और ये गाइस हम लोग को रैंडम वैल्यू शो करवाने के लिए ये फंक्शन यूज हुआ है। तो ये तो हमारा रैंड फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं रैंड बिटवीन। सो हम लोग इस रैंड बिटवीन फंक्शन की सहायता से हम लोग कर ही सकते हैं, हम लोग किसी भी स्पेसिफिक नंबर्स के बीच का वैल्यू शो करवा सकते हैं। तो जैसे मैं आप लोग को इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे हम लोग ऊपर में टाइप करते हैं इक्वल्स टू, अब हम लोग टाइप करते हैं RAND बिटवीन, टाइप करने में जस्ट ब्रैकेट ओपन, और हमारा स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा 1 से लेकर हम लोग 100 के बीच के कोई भी रैंडम वैल्यू को हम लोग शो करवाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग रैंड बिटवीन का फंक्शन यूज करेंगे। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 41 आ चुका है। फिर से मैं ऊपर जाकर एंटर करता हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा 97 आ चुका है।
फिर से मैं ऊपर जाके एंटर करता हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं हमारा 37 आ चुका है। तो ऐसे ही गाइज ये रैंड बिटवीन फंक्शन यूज करता है, हम लोग को ये रैंडम वैल्यू जनरेट करते रहता है, जितने बार हम लोग एंटर करेंगे उतने बार ये रैंडम वैल्यू को जनरेट करेगा। सो गाइज ये तो था हमारा रैंड बिटवीन फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल फंक्शन के बारे में। तो स्मॉल फंक्शन की सहायता से हम लोग करते क्या है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्मॉल नाम से सोच पा रहे होंगे, हम लोग स्मॉल वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब लिस्ट में अगर हमारा 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू के अंदर अगर हमारा जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको ये यहाँ पे शो कर देगा। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हम लोग टाइप करते हैं इक्वल्स टू, हम टाइप करते हैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन, हम लोग को एरे सिलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ से हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस एरे को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा टाइप करता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे 1 टाइप करते हैं तो ये पहला स्मॉलेस्ट नंबर दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा 0 आ गया। सो इस लिस्ट में हमारा पहला स्मॉलेस्ट नंबर 0 ही था। अब हम लोग गाइज यहाँ पे 1 को चेंज करके यहाँ पे अगर हम लोग 2 प्रेस करते हैं, अब हमारा ये फंक्शन क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे शो करवाओ। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये हमारा 1 प्रिंट कर रहा है। ऐसे हम लोग 2, 3, 4, 5 कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं लार्ज फंक्शन। तो लार्ज फंक्शन भी एज इट इज वर्क करता है स्मॉल फंक्शन के। सो सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हम लोग टाइप करते हैं इक्वल्स टू और यहाँ पे टाइप करते हैं LARGE लार्ज और ब्रैकेट ओपन करने के बाद तो यहाँ पे हम लोग एरे फिर से सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो हम लोग एरे को सिलेक्ट करेंगे और इस बार टाइप करेंगे कॉमा और फिर से के पूछ रहा है। तो के होगा हमारा 1, मतलब हम लोग को सबसे लार्जेस्ट नंबर चाहिए, इसीलिए हम लोग पहला लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे। तो 1 टाइप करने के बाद जस्ट ब्रैकेट बंद एंड हिट द एंटर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 900 हो गया। इस लिस्ट में हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर जो था वो 9 था। तो ये तो हो गया हमारा पहला लार्जेस्ट नंबर। तो सेकंड लार्जेस्ट हम लोग को शो करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे 1 को चेंज करके 2 टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारा 6 शो कर देगा। तो ये ऐसे हमारा स्मॉल एंड लार्ज फंक्शन यूज होते हैं। सो गाइस अब हम लोग बात करते हैं मैक्स फंक्शन के बारे में। तो मैक्स फंक्शन भी गाइस लार्ज के जैसे ही वर्क करता है, बट लार्ज में हम लोग कंडीशन अप्लाई करके हम लोग शो करवा रहे थे, मतलब पहला लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट। बट इस मैक्स में होगा ये कि जो फाइनेस्ट लार्जेस्ट नंबर होगा उसको वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा और इसमें कोई भी कंडीशन और हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर हम लोग इक्वल टू टाइप करेंगे और टाइप करेंगे MAX मैक्स ब्रैकेट ओपन और हम लोग यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे नंबर 1 नंबर 2 करके शो हो रहा है। तो हम लोग काम करते हैं, हम लोग पूरे एरे को सिलेक्ट कर लेते हैं और जस्ट ब्रैकेट बंद एंड हिट द एंटर। तो इस एरे में से जो मैक्स नंबर है उसने यहाँ पे इसको शो करवा दिया। ये तो था नॉर्मल हमारा मैक्स फंक्शन। अब हम लोग बात करते हैं मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन भी एज इट इज मैक्स के जैसा है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर में हम लोग टाइप करेंगे इक्वल्स टू और हम लोग टाइप करेंगे मीन MIN मीन ब्रैकेट ओपन और फिर से हम लोग एरे को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा एरे और एरे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट ब्रैकेट बंद एंड हिट द एंटर। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एरे में से जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर था उसने इसको यहाँ प्रिंट करवा दिया। तो आशा करता हूँ आप लोग को स्मॉल लार्ज एंड मैक्स मीन में डिफरेंस का पता चल गया होगा। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो और आज के वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिक फंक्शंस के काफी सारे फंक्शंस के बारे में जाना और आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि मैं ऐसी तरह से कमाल के वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। सो मिलते हैं इसी तरह किसी अनदर वीडियो के साथ। फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। बी सेफ एंड जय हिंद।